हाय एवरीवन, तो अगर आपने पीजी कोर्स में एडमिशन ले लिया है डीयू के अंदर एसओएल के अंदर, तो अब आपका सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको और स्टडी मटेरियल और एग्ज़ाम्स, ये सब इम्पोर्टेंट डाउट्स आपके आ रहे हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है पीजी लेवल पर, एमबीए से लेके लाइब्रेरी कोर्सेज, एमए, एमकॉम कोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपका सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, तो आपके एमबीए और देखिए जो आपके एमबीए और एमए एमकॉम कोर्स है उसका सिलेबस आप डीयू की मेन वेबसाइट पर आओगे, यहाँ मेन्यू के सेक्शन में जाओगे, सिलेबी के सेक्शन में जाओगे और रिवाइज सिलेबस 19-20 के सेक्शन में जाओगे, यहाँ आपको मिल जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, चाहे वो एमबीए एमकॉम कोर्स हो, एमए हिस्ट्री कोर्स हो, हिंदी या संस्कृत कोर्स हो। लाइब्रेरी कोर्सेज़ का सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली एसओएल की वेबसाइट पर विज़िट कीजिए, प्रोस्पेक्टस के सेक्शन में जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए लाइब्रेरी कोर्सेज़ का सिलेबस। ये आपका लिए रहा प्रोस्पेक्टस, यहाँ से लाइब्रेरी कोर्सेज़ का सिलेबस आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है, कोर्स का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो ये मेन वेबसाइट पर आ गए, CBCS के लिंक पर आ गए हम, यहाँ से आपको पीजी कोर्स स्ट्रक्चर और एमबीए कोर्स स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। पीजी कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब काफ़ी एमबीए के स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमने स्पेशलाइजेशन नहीं चूज़ किया, तो वो आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स के पास फिक्स्ड कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे। ये हो गई हमारी सिलेबस की बात और कोर्स के स्ट्रक्चर की बात, कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। थोड़ा सा आप हाथ पैर मारिए, पीजी लेवल पर आ गए हो, आपको हर एक चीज़ डाउनलोड करके नहीं दी जा सकती। दूसरी बात आपकी ये है, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में कब मिलेगा और सॉफ्ट कॉपी का क्या केस है। सॉफ्ट कॉपी की जहाँ तक बात है तो यार आपके स्क्रीन के ऊपर एमबीए हो गया, लाइब्रेरी कोर्सेज हो गए, इनके तो स्टडी मटेरियल आपको दिख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी में इनके स्टडी मटेरियल आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे, आपको SMS आ जाएगा, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात बारी आती है बाकी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल भाई कहाँ से मिलेगा। अब उसके लिए देखो, एमए पॉल साइंस और एमए हिस्ट्री का जो स्टडी मटेरियल है वो हम पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं, एसओएल ने वो अभी तक भी अपलोड नहीं करा। ये आप देख सकते हो एमए पॉलिटिकल साइंस में कमिंग सून है, पिछले 4 साल से ये जो इसकी ट्रेन है वो ट्रैक पर नहीं आई है, आई डोंट नो कब आएगी। तो एमकॉम की बात करें या एमए हिंदी या एमए संस्कृत, इनका कुछ कुछ सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपको पढ़ने के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल का भरोसा, स्टडी मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, चाहे वो आप रेफरेंस मटेरियल ढूंढो, चाहे आप कॉन्सेप्ट यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, टॉपिक वाइज सर्च करो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। सोलली आप एसओएल के मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। ये जो एमए और एमकॉम कोर्सेज का स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी है ये मिलेगी क्या, इसके ऊपर अभी तो हम नहीं कह सकते कि मिले या ना मिले, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इतना इंतज़ार करना ठीक नहीं है। आप लोग मार्केट से अपने रेफरेंस मटेरियल देखिए या जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सर्च कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। पीजी लेवल में दोस्तों ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासेस की और फिर लास्टली आपके एग्ज़ाम्स की हम बात करेंगे। क्लासेस जो होती हैं वो मैं आपको साफ सिंपल बता देता हूँ, जो आपके लाइब्रेरी कोर्सेज हैं और एमबीए कोर्सेज हैं इनकी क्लासेस की जानकारी वेबसाइट पर भी आएगी, वीकली टाइम टेबल भी मोस्ट प्रोबेबली अपलोड होगा और आप वहाँ से देख सकते हो कि आपका क्लासेस कितने बजे होंगी वीकली। संडे टू संडे क्लासेस लगती हैं, एमबीए कोर्सेज में कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, एमबीए कोर्सेज की क्लासेस जनरली नॉर्थ कैंपस में लगती है, सत्यकांत भवन में, और लाइब्रेरी कोर्सेज की क्लासेस आई थिंक शहीद राजगुरु कॉलेज वगैरह में लगती हैं, बाकी वो SMS के थ्रू आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा, बाकी नहीं होता तो वेबसाइट पर इन दोनों कोर्सेज की जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा पीजी लेवल के ऊपर एमकॉम की क्लासेस जनरली वेस्ट केशवपुरम वाले कैंपस में लगती हैं, और बाकी कोर्सेज की जो क्लासेस हैं वो आपकी नॉर्थ कैंपस में लगती हैं, खुद एसओएल का जो कैंपस है वहाँ पर।
कुछ शायद एक दो कॉलेज अलॉट हो जाएँ, उससे ज़्यादा कॉलेज अलॉट नहीं होंगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब पीजी में एडमिशन तो हो गया, अब कॉलेज कैसे मिलेगा? कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और ख़ासकर अब एमए या एमकॉम में हो तो कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं मिलेगा। एमबीए में फिर भी मिल सकता है कॉलेज, लेकिन अब चूंकि हो सकता है एमबीए में बच्चे ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया हो तो कुछ एक दो कॉलेज डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स को। बाकी देखने वाली बात होगी कि कब से क्या चीज़ें रहती हैं। बाकी ये सब चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली मिड अक्टूबर तक ही मुझे लगता है पॉसिबल हो पाएंगी। अब लास्टली मैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स का बता देता हूँ। एग्ज़ाम के लिए एक बार आप डीयू की वेबसाइट पर जाइए। डीयू के अफसर पर जब आप जाते हो तो यहाँ पे फ्रंट पेज पर ही आपको कुछ नोटिफिकेशंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। फिर एक और एडवर्टीजमेंट आ गया डायरेक्टर के लिए, डीएचएम मैनेजर के लिए, आईजीएच के लिए। फिर आपका आ रहा है अकेडमिक कैलेंडर का ऑप्शन, जिसमें यूजी और पीजी का ऑप्शन है। तो आप सिंपली पीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एकेडमिक कैलेंडर मिल जाएगा जहाँ पर आपके सेमेस्टर वन की जो एग्ज़ाम डेट्स है वो एज ऑफ नाउ बताई जा रही है आप लोगों की 30 दिसंबर। अब एसओएल का थोड़ा सा आगे डेट शिफ्ट हो सकती है 5-6 दिन आगे, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट ये समझ लो अभी सितंबर मिड ख़त्म हो गया, 22 सितंबर है आज, तो अभी आपके पास 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। प्लीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन द स्टडी मटेरियल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आपको मैंने बता दिया सिलेबस कहाँ से कैसे डाउनलोड होगा, आपका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। दिस इज़ नॉट अ यूजी कोर्स, दिस इज़ अ पीजी कोर्स। और स्पेशली एमबीए और लाइब्रेरी कोर्सेज और स्पेशली एमकॉम कोर्स वाले बच्चे प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी पूछ रहे थे कि सर क्या डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे। देखिए वैसे तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उसको वेरीफाई करा गया है, उसके बाद ही आपको पेमेंट लिंक का ऑप्शन दिया गया था। लेकिन फिर भी अगर डॉक्यूमेंट आपको मंगवाए जाएंगे एसओएल द्वारा तो आपको वो बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप रिलैक्स रहिए, आपने फ़ीस भर दी, फिर रिसिप्ट आ गई, फिलहाल के लिए आपका एडमिशन एसओएल के अंदर कन्फर्म है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।